नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। यूपी 76 न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हाजिर हैं हम लेकर खबरों का खजाना। जनपद की चारों सीटों पर एक बार फिर 2017 की भांति 2022 में प्रचंड मतों के साथ भाजपा ने जीत हासिल की। भाजपा समर्थकों में उत्साह और उमंग के गुलाल से वातावरण को सुगंधित कर दिया। एक बार फिर जनपद फर्रुखाबाद भगवामयी हो गया। चुनावी आंकड़ों में या यूं कहें कि भाजपा प्रत्याशियों की जीत के आंकड़े देखते तो सपा की साइकिल की हालत जनपद में बुरी तरह बिगड़ गई। साइकिल की ही नहीं, बड़े बड़े दिग्गजों की जनपद में हवा निकल गई। मतगणना के आंकड़ों को देख साइकिल सवार जनपद में चारों खानी चित हो गए। वहीं चारों विधानसभा में भाजपा की जीत को लेकर सांसद मुकेश राजपूत ने कहा, आज बड़ी सफलता मिली है, पूरे जनपद में भाजपा का परचम लहराया है। किस रूप में ले रहे हैं आज की सफलता को? देखिए, इसमें जिस दिन नामांकन हुआ था तभी हम लोगों ने कहा था कि फर्रुखाबाद जनपद में हमारी चार की चारों सीटें जीतेंगी, लोकसभा में भी पांच की पांचों जीतेंगी और पहले से जीत का अंतर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारी चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार, दोनों सरकारों ने जो जनता को चाहिए, जनता की जो रिक्वायरमेंट थी, जिस वक्त वो रिक्वायरमेंट पूरी की, चाहे बिजली की सप्लाई हो किसानों के लिए और चाहे गरीबों को खाद्यान्न, प्रधानमंत्री खाद्यान्न योजना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक महीना में दो दो बार उत्तर प्रदेश में गरीबों को खाद्यान्न पहुँचाया गया, ये योजना हो या प्रधानमंत्री सम्मान निधि हो या अन्य कहीं भी लाइन ऑर्डर हो, ये जनता की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी की। लोगों के मन में था कि हम भारतीय जनता पार्टी वोट सपोर्ट सहयोग देंगे, वही इस चुनाव में आपने देखा, जो नामांकन के दिन पहले हमने कहा था आज भी वही सामने निकल के आया। उत्तर प्रदेश में पहले से ज़्यादा हमारे कैंडिडेट जीत का अंतर बड़ा है, इसलिए मैं अपने प्रदेश की जनता को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूँ, अपने कार्यकर्ताओं का और सभी बुद्धिजीवियों का आभार व्यक्त करता हूँ। तो चलिए हम आपको बताते हैं चारों विधानसभाओं के प्रत्याशियों की जीत के आंकड़े। सबसे पहले सबसे चर्चित सीट भोजपुर की बात करें तो भोजपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर को कुल 99,979 मत मिले, जबकि सपा के अरशद जमाल सिद्दीकी को 72,521 मत मिले। बसपा प्रत्याशी आलोक वर्मा को 13,714 मत मिले, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना राठौर को 2,053 मत मिले। और भोजपुर विधानसभा में AIMIM प्रत्याशी हाफिज तालिब व अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी को 27,458 मतों से हराया, जबकि पिछली बार यानी 2017 में भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर को 93,673 मत मिले थे और सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी को 58,796 मत मिले थे। यानी 2017 में भी भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर ने सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी को 34,877 मतों से हराया था। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद गुल, आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। जैसा कि जनपद फर्रुखाबाद में यूपी 76 न्यूज की टीम पहुंच चुकी है, यहाँ पर विधानसभा के चारों सीटों पर रिजल्ट आने वाला है, वो भी सबसे पहले आपको यूपी 76 न्यूज दिखाएगा। इसी को लेकर हमारे साथ एक कार्यकर्ता मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कैसा लग रहा है भाई आपको। भैया, हमारी भाजपा पहले से निश्चित थी, आज भी निश्चित है और आगे भी निश्चित ही रहेगी। जय लोकल लाइट पे, लोकल मीडिया पे एक्टिव था, आज एक्टिव कोई दिखा दीजिए हमको। आज जब आदमी को पता लग गया सपा है, आप आगे चार कदम और बढ़िए, सबको आगे दिखेगा आप सपा कहाँ पे है। तो हमारी भाजपा निश्चित थी तो आज भाजपा निश्चित है यहाँ पे। तो किस विधानसभा से आप हैं? हम भैया 194 फर्रुखाबाद सदर। कैसा लग रहा है प्रत्याशी आ गया? भैया बहुत खुशी है, हमारा प्रत्याशी आ गया, हमारे ऊपर भी आ गए। तो दोस्तों चलिए अब आ जाइए कायमगंज विधानसभा में। भाजपा गठबंधन प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि गंगवार 1,14,364 मत मिले, जबकि सपा प्रत्याशी सर्वेश अंबेडकर को 95,812 मत मिले। बसपा प्रत्याशी दुर्गा प्रसाद को
18,377 मत मिले और कांग्रेस प्रत्याशी शकुंतला देवी को 2,231 मत मिले। कायमगंज से डॉक्टर सुरभि गंगवार 18,552 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से विजयी रही। वहीं 2017 के आंकड़ों पर यानी नजर डालें तो कायमगंज विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी अमर सिंह खटिक ने 1,16,304 मत हासिल किए थे और उस समय सपा की प्रत्याशी रही डॉक्टर सुरभि गंगवार को 79,779 मत मिले थे। तो 2017 में भी सपा प्रत्याशी डॉक्टर सुरभि गंगवार को 36,525 मतों से हराया था। फोटो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद मोहित। जैसा कि जनपद फरकाबाद में सातनपुर मंडी में यूपी76 न्यूज की टीम मौजूद है, वहीं विधानसभा भोजपुर और जनपद फरकाबाद की चारों विधानसभाओं में भाजपा बढ़त बनाए हुए है। अंतिम निर्णय आने को बाकी है, लगभग जीत की कगार पर ही है। इसी को लेकर हमें विधानसभा भोजपुर के जो प्रत्याशी हैं नागेंद्र सिंह राठौर, उनके सुपुत्र मिल गए हैं। आइए उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई, कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा। ये हमारी जीत नहीं है, भोजपुर की सभी पूरी जनता की जीत है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, पूरी जनता ने चुना है। जी जी, ये तो आप जानते होंगे, जीत के बाद खुशी कैसी होगी, ये हमसे नहीं, हमारी पब्लिक से पूछिए। नहीं, ये तो आपकी आवाज गवाही दे रही है कि कैसी जीत है आप जी। और क्या कहना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से? बस जो जनता का प्यार है हमेशा बना रहे हम लोगों पे ऐसे ही, और हम जनता के काम आते हैं। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं अमृतपुर विधानसभा। अमृतपुर विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी सुशील शाक्य को 98,848 मत मिले और सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र यादव को 54,162 मत मिले। तो वहीं बसपा प्रत्याशी अमित कुमार सिंह को 13,049 मत मिले। कांग्रेस के शुभम तिवारी को 1,313 मत मिले। निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव कोई भी कमाल नहीं कर पाए, जनता ने उन्हें बुरी तरह नकार दिया। भाजपा प्रत्याशी सुशील शाक ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव को 44,686 मतों से हराया, जबकि 2017 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशी सुशील शाक ने 93,502 मत मिले हासिल किए थे और सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह यादव को 52,995 मत मिले थे। पिछले चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशी सुशील शाक ने सपा प्रत्याशी को 40,507 मतों से हराया था। गड़बड़ी नहीं होती, नहीं होती है। जहां उनकी सरकार बन जाए वहां ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती है, तो जहां उनकी गांड बढ़ जाए ईवीएम उसमें नहीं, वहां गड़बड़ी हो जाती है। तो चलिए अब चलते हैं शहर की ओर। सदर विधानसभा में जहां भाजपा प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने 1,11,497 मत हासिल किए, तो वहीं सपा प्रत्याशी सुमन मौर्या को 72,810 मत मिले। बसपा प्रत्याशी विजय कटियार को 16,478 मत मिले। कांग्रेस प्रत्याशी लुईस खुर्शीद को 2,033 मत मिले। सदर सीट पर मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 38,687 मतों से पराजित किया, जबकि यहां यानी सदर सीट पर उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा लंबी लिस्ट थी और जीत का दावा भी कर रहे थे, जिसके बाद सपा प्रत्याशी को जिताने का दावा कर रहे थे, परंतु बड़े बड़े दिग्गजों की जनता ने पटखनी दे दी। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ और देखते रहिए यूपी76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे अपनी दूसरी खबर में, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।